शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। गर्मियों की तपती धूप में मिर्च मसालों के खाने छोड़ें, बनाएं दोपहर के खाने में कुछ हल्का फुल्का जो कि जल्दी भी बन जाए और आपको गर्मी में किचन में ज़्यादा देर तक काम ना करना पड़े। तो चलिए अपनी रेसिपी की जानिब चलते हैं। यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में ना हाफ कप जो है ऑयल ले लिया है। तकरीबन 3 टमाटर कट करके डाल दिए हैं और 4 से 5 अदद मैंने हरी मिर्चें कट कर कर इसमें शामिल कर दी हैं। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे जब तक के टमाटर गल नहीं जाते, लेकिन उससे पहले हम थोड़े मसाले डाल देंगे। 1/2 टीस्पून जो है हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून जो है कुटी हुई मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे मसालों के साथ। टमाटरों को अच्छे से भूनेंगे जब तक कि टेंडर नहीं हुए होते, इनका पानी ख़त्म नहीं हो जाता। और उसके पहले हम यहाँ पे शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट लाजमी शामिल करिएगा, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। उसके बाद हम इसकी अच्छे से भुनाई कर देंगे जब तक कि तेल ऊपर नहीं आता। लेकिन जनाब, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। यहाँ आलू को मैंने मैश करके इसमें शामिल कर दिया है। मैं उन लोगों के नाम लेना ज़रूर चाहूँगी अपनी वीडियो में जो लोग मुझे रोज़ाना इतना प्यार देते हैं, कमेंट करते हैं और मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, जिनका नाम है डेली फूड के नाम से एक चैनल है। उसके अलावा यहाँ पे सीमा अंसारी के नाम से एक चैनल है। मौलाएं भी मेरी जो है वीडियोस पे कमेंट करती हैं। तो ये 3 लोग जो हैं रोज़ाना कमेंट करते हैं और बहुत प्यार करते हैं मुझसे। अल्लाह का शुक्र है, मैं आपके बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरी वीडियोस पे आते हैं, वीडियोस को वॉच करते हैं और कमेंट भी करते हैं। तो यहाँ पे 1 लीमू जो है मैंने अच्छे से और निचोड़ दिया। तो उसके बाद यहाँ पे धनिया मैं शामिल कर दूंगी और इसके बाद यहाँ पे अच्छे से फिर से मैं इसको मिक्स कर दूंगी। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही झटपट तैयार हो गया है आलू का भुरता। अब इसको दोपहर के खाने में खाएं, बहुत जल्दी भी बन जाता है और लो कॉस्ट भी है, आराम से आप इसको बना सकते हैं। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।